हमारी प्रकृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसे केवल खास स्थानों पर उगाया जा सकता है। ऐसा एक पेड़ है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया मूलतः अमेरिका का एक पुष्प पेड़ है, लेकिन इन दिनों मैग्नोलिया के पेड़ पे फूल झारखंड के हजारीबाग में भी खिला हुआ है, जिसके बाद पर्यावरण प्रेमी इस फूल को देखने के लिए यहाँ पहुँच रहे। यह फूल हजारीबाग के सदानंद रोड में टीपू जैन के घर पे खिला हुआ है। फूल देखने पहुँचे हजारीबाग के वन संरक्षक मुरारी सिंह बताते हैं कि मैग्नोलिया भारत में काफी दुर्लभ पेड़ है। भारत के कुछ हिस्से जैसे पश्चिम बंगाल में यह देखने को मिलता है, लेकिन वही बात अगर भारत के अन्य हिस्सों की जाए तो यह अभी भी दुर्लभ है। हजारीबाग में लगाया हुआ यह पौधा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का इकलौता पौधा है। इसके अलावा इस पेड़ को इस प्रमंडल में कहीं और देखा नहीं गया है। इस पेड़ में कभी भी पतझड़ नहीं आता है, साल भर इस पेड़ में पत्ते लगे रहते हैं। साल में दो बार इसमें फूल भी आते हैं जो सफेद रंग के होते हैं। उसमें काफी सुगंध निकलता है। फूल का सुगंध लगभग 200 से 300 मीटर आसानी तक चले जाता है। कौन सा पौधा है, क्या गुण है इसके, कहाँ पाया जाता है इसके? ये अमेरिकन मूल का पौधा है, ठंडे प्रदेश में बढ़िया से उगता है और इसकी ऊंचाई अभी ये छोटा है, काफ़ी ऊंचा तक जाएगा, 70-80 फीट चला जाएगा। इसमें जो फूल आते हैं एक तो बड़े हैं और दूसरे में ये खुशबूदार हैं, और तीसरा जो फूल के बाद इसके फल बनेंगे उसके दाने बाहर बहुत खूबसूरत से दिखते हैं। और ये सदाबहार पौधा है, यानी कि सभी मौसम में इसमें पत्ते रहते हैं। और जैसा कि इसके जो ओनर हैं इस कैंपस के, उन्होंने कहा कि इसके पत्ते शाम में सड़ जाते हैं, यानी कि सोने की अवस्था में चले जाते हैं। शाम होते ही इसकी खुशबू से आपका पूरा परिसर धमक जाएगा, यानी एक मैग्नोलिया का पौधा आपने अपने परिसर में लगा दिया तो फिर आपके घर को खुशबूदार बनाने के लिए इत्र सेंट की ज़रूरत नहीं है। वह जब उसके फूल आएंगे तो स्वतः आपका परिसर खुशबूदार हो जाएगा। कितना रेयर है इस इलाके के? तो बिल्कुल रेयर है, कुछ जो शौकीन लोग हैं वो अमेरिका से उसको इधर लाके लगाया है। बहुत ही कम मिलेगा, शायद ही हजारीबाग में हम लोगों ने तो अभी नहीं देखा है।